आज के बिग बॉस 14 के एपिसोड में होगा एक घमासान राखी सावंत और निकी तंबोली के बीच में, जिसमें मनु पंजाबी भी कूदेंगे। निकी तंबोली को राखी सावंत ने बोला कि वो परफ्यूम लगा लगा कर मर्दों को कोने में ले जाकर पटाती है, जिसके ऊपर निकी भी पागल हो गई और उन्होंने बोला कि तुमने 15 साल इंडस्ट्री में क्या किया और कैसे किया है ये सारी दुनिया जानती है। इसके ऊपर मनु भी बीच में आ गए, क्योंकि जिस तरह से राखी निकी की बेइज्जती कर रही थी उसका कारण यही था कि उनको ऐसा लग रहा है कि मनु पंजाबी और निकी के बीच में कुछ कुछ दोस्ती, कुछ कुछ प्यार पड़ रहा है। इनिशियली ये सब बड़ा ही मजाकिया सा लग रहा था, क्योंकि राखी बहुत कॉमेडी करती नज़र आ रही थी, लेकिन राखी कहाँ पे इतनी ट्रिगर हुई कि वो अपना सारा संतुलन खो बैठी और भाषा की मर्यादा को बुरी तरह भूल गई। हमने कल के एपिसोड में भी देखा था, जब वो लोग टक टास्क कर रहे थे तब निकी को राखी ने बहुत ही गंदी और वाहियात गालियाँ दी थी, जिसके ऊपर निकी भी बहुत भड़की थी। और आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि उन तीनों का बहुत ही घमासान युद्ध होगा, जिसमें रूबीना भी ये बोलती नज़र आई कि घर का माहौल बहुत 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 ही ज़्यादा गंदा हो गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि गेम से हटकर पर्सनल अटैक्स पर आ गई है, जिसमें राखी बहुत ही बुरी तरह से निकी को मर्द चुराने वाला और इस तरह के शब्द यूज़ करती हुई आपको दिखाई देंगी, जिसके ऊपर निकी भी दबा कर वापस बदला लेंगी और बोलेंगी, और मनु उनका साथ देंगे, जिसके ऊपर और बरसी राखी, और राखी को ट्रिगर करती हुई आपको अर्शी दिखाई देंगी। अर्शी एक शायद मेन वजह है जो राखी सावंत को बिगाड़ने पे आतुर है। देखिए आज का एपिसोड और देखिए किस तरह बेकाबू हुए राखी सावंत, निकी तंबोली और मनु पंजाबी बिग बॉस 14 के घर में। निकी तंबोली राखी सावंत को जवाब दे रही दिखेगी आपको कि मैं तो लड़कों को लेके जाऊंगी कोनों में, तुम क्यों इनसिक्योर हो रही हो, तुम अपनी बात करो, तुम जो करती रही हो वो सब हम अच्छे से जानते हैं। जिस पे मनु बोलेंगे, जब तुम दूसरी लड़की को आदमी खोर बोलोगी तो वो क्या करेगी। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है भाषा की मर्यादा कितनी ज़रूरी है गेम में। कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपके फेवरेट कंटेस्टेंट कौन हैं इस बार अब के सीज़न में।